ABCD में दिया है, ABCD लो हाइट डबल मीडियम का गाड़ी है, इसमें एडजस्टेबल, हाँ एडजस्टेबल है, स्टीयरिंग भी है और टिल्ट स्टीयरिंग भी बोला जाता है, हाँ इसको सीट भी है, आगे पीछे कर सकते हैं आगे। किसान भाइयों नमस्कार, मैं सोनू, स्वागत है आपके हमारे चैनल ब्लैक बोल्ट फाइव पे। किसान भाइयों आज हम रिव्यू करने वाले हैं जॉन डियर 5310 CRDI ट्रैक्टर का, जो कि हमारे साथ में इंद्रेश कुमार जी हैं। इस ट्रैक्टर के बारे में उनसे जानकारियां लेंगे, ये बताएंगे ट्रैक्टर में क्या खासियत है और ये ट्रैक्टर CRDI इंजन के साथ कितना पावर देता है, तो पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सक्षम ट्रैक्टर जॉन डियर महाराजगंज से बोल रहा हूँ। मेरा नाम इंद्रेश कुमार भारती है। मैं 5310 के बारे में बता रहा हूँ, जो CRDI इंजन आ गया है इसमें। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये पंप जो है इलेक्ट्रॉनिक पंप दे दिया है। पंप में अगर तेल का नहीं तरीके से पहुंच पाता है, एयर ले लेती है गाड़ी, तो इसको पंप इसको यहाँ से मारते हैं तो तेल इंजन तक पहुंचा देगा। ये जो है हमारा शुद्ध हवा इंजन को देगा, ताकि वातावरण इसका इंजन का बना रहे, ज़्यादा दिन तक टिका रहे और काफ़ी फैसिलिटी हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। इधर आते हैं, इसकी लिफ्टिंग भी बहुत ऊंचा कर दिया है। पहले जो होता था 5310 आता था तो इतना पर होता था, अब इसको CRDI में बड़ा कर दिया है। सूखा एल्किनर है, एक छोटा सा है जो है, एक बड़ा सा है। बड़ा सा इसको खोल लेते हैं, किसान भाइयों देखिए यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं, इसको यहाँ से निकाल के चोक, अगर चोक का सेंसर वगैरह भी दिया जाता है। CRDI में किसान भाइयों क्या होता है, आवाज देती है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं से भी चोक होती है, सेंसर पे ज्यादा काम होता है, सेंसर बहुत ज्यादा गाड़ियों में दिया जाता है, तो हर एक पार्ट में आपको इस तरीके से सेंसर लगा हुआ मिलेगा। सेंसर है जो की इसको कहीं से अगर आपकी गाड़ी चोक होती है या कहीं से और कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सेंस करेगा आगे मीटर पे, है ना। हाँ सब मीटर पे पहले दिखलाएगा बताएगा, और यहाँ से इसको साफ कर लेते हैं। ये बीम इसका एडजस्टेबल है, देख सकते हैं एडजस्टेबल बीम के साथ एक गाड़ी आ रही है, और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 2500 है। किसान भाई अब रेडिवाटर का बात करते हैं। ये जो है एक डेरिवेटर है जो डीजल ठंडा करता है, दूसरी जो है गैराइल ठंडा करता है, एक इंजन भी ठंडा करता है, और चौथा जो है मोबिल को ठंडा करता है। इसमें चार रेडिवेटर दिए गए हैं, काफी अच्छा के साथ ट्रैक्टर आता है। आपका मोबिल और डीजल वगैरह सब कूल होकर सब तभी इंजन में जाता है, तभी इंजन में जाता है। 8.5 लीटर इसका डबल इंजन लगता है, डबल सिंगल, हाँ डबल डिस्क, डबल पंप, ये सिंगल है, सिंगल स्टेबल इसका है, एक्सल है। इधर हम बात देख सकते हैं CRDI इंजन पूरा भरा है, जो खराब हवा रहता है तो यहाँ तरह से कई बाहर निकाल देता है। यहाँ पे भी सेंसर दिया गया, सेंसर दिया गया है। और इसमें ये अगर खराब एयर आती है आपके गाड़ी में तो ये एयर उससे बाहर निकल जाता है। अब आते हैं देखते हैं, ये ब्रेक जो है या जीवन ब्रेक है, आयल में डूबा हुआ है, या जीवन आपको एडजस्टेबल नहीं कराना पड़ेगा, गाड़ी चलती रहेगी, एडजस्टेबल होता रहेगा, या जीवन मुक्त है। बाकी बात करते हैं, यहाँ हम आते हैं, चलिए इधर से आते हैं बताते हैं। इसको देखिए कूलेंट का है जो है यहाँ पे है दे दिया गया है, बाकी कोई स्टीयरिंग ऑयल का कोई टप्पा नहीं लगाया गया है, केवल अब बाकी हम बात करते हैं इधर गियर का। 12/4 का गियर है जो ABCD में दिया है, ABCD लो हाइट डबल मीडियम का गाड़ी है। इसमें दिया है रिवर्स 1 2 3 4 पार्किंग दिया है, जो पार्किंग में आप डाल देंगे तो गाड़ी पूरी लॉक हो जाएगी, कहीं गाड़ी हिलेगी डुलेगी नहीं, जब तक आप पार्किंग लगाएंगे छुड़ाएंगे नहीं। 12/4 का गियर है। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो इसकी लिफ्टिंग है, देखिए किस तरह से हाँ एडजस्टेबल है, स्टीयरिंग भी है और टिल्ट स्टीयरिंग भी बोला जाता है, हाँ इसको सीट भी है, आगे पीछे कर सकते हैं, आगे देखिए कर सकते हैं। ज्यादा आदमी मोटा का जो वजन आता है नहीं आ पा रहा था, देखिए इसको इस तरह से कर लेते हैं और सीट पीछे कर लेते हैं, देखिए एडजस्टेबल है, दिया गया था CRDI में, इंजन में भी गया। अब इसमें स्टडी इको मोड लगा हुआ है, देखिए मीटर डिजिटल मीटर है, हाँ इसमें बताएगा
लोकेशन भी है इसमें, जहाँ गाड़ी चले वहाँ भी बताएगा, घंटा मीटर सब बताएगा इसमें। फोन से कनेक्ट हो जाएगा? हाँ, फोन से कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, फोन से कनेक्ट हो जाएगा। GIDI इंजन का ये मेन फीचर ये है कि 57 HP अगर जो ज्यादा आप लोड ले सकते हैं गाड़ी का, भूसा वगैरह बना सकते हैं, एमपी प्लाउ चला सकते हैं, हैरो चला सकते हैं, और क्या बोलते हैं सुपर सीडर जो आजकल ज्यादा फेमस हो गया है, इससे 57 HP कर सकते हैं। और कम हल्का काम वजन लेना है तो इसको आप 52 HP भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हमें ज्यादा पावर चाहिए ट्रैक्टर से, हाँ, तो आपको इको मोड पे, हाँ, पावर मोड पे चलाना। हाँ, एसटीडी हाँ, अलग इसमें अलग दिया। हाँ, 57 पे चलेगा। अगर आपको हाई एचपी का पावर चाहिए, जैसे कि सुपर सीडर हो गया, हाँ, एमपी प्लाउ हो गया, और आपका पूरी मशीन हो गया भूसा वाली, हाँ, जिसको ये सब चलाने के लिए पावर मोड में, हाँ, चला। तो अगर उससे डीजल भी ज्यादा खाएगा, हाँ, अगर आपको कम पावर लेना है ट्रैक्टर से, हाँ, तो आप जो है 52 HP कर सकते हैं, इको में, अगर मान लीजिए रोटावेटर चला सकते हैं। उससे क्या होगा किसान भाई की डीजल की खपत कम हो जाएगी और जितना आपको पावर चाहिए उतना पावर। हाँ, ये 20 मिनट के बाद ही कन्वर्ट होता है गाड़ी की, 20 मिनट के बाद कन्वर्ट दाब सकते हैं, 20 मिनट बाद तो 52 HP हो जाएगी, 57 HP हो जाएगी। 52 HP में मान लीजिए तेल कम लेगा, रोड भी चल सकते हैं, टाली वगैरह चला सकते हैं, कल्टीवेटर चला सकते हैं, रोटावेटर चला सकते हैं, इससे काफी फीचर आपको बढ़िया फिटनेस मिलेगा, तेल का भी खपत करेगा, इसीलिए 53 से जो है। बाकी आते हैं हम पीछे, इसका टायर के बारे में बता दीजिए। टायर जो है आगे का टायर, टालो टायर है जो अपोलो गुडियर कृषि गोल्ड दे दिया गया है, इसमें 6/50/20 का दे दिया गया, बहुत बड़ा फीचर, बड़ी टायर है, बहुत बढ़िया फीचर दे दिया गया। पीछे की बात करते हैं तो आ गया है 16/9/28 का जो है, ये भी बहुत फीचर इसका बढ़िया दिया है। रिम जो है इसका पहले जो आता था इधर साइड था, अब इसको उस साइड कर दिया है ताकि इसको फीचर बढ़िया से मिल सके, और बराबर की जोड़ बराबरी जोड़ रहे, और कीचड़ में जो है इधर जगह का टायर है। हाँ, और इसका जो रिम बता रहे हैं ये कि रिम को अब की बार पलट दिया गया ताकि, हाँ, टायर पे जो ट्रैक्टर की वजन का भार, हाँ, है वो बराबर से पड़ सके, बराबर से पड़ सके। हाँ, इधर ज्यादा जैसे दूरी जो इसकी बना रहेगा तो कीचड़ में चलाने में गाड़ी में, हाँ, यहाँ कीचड़ नहीं रुकेगा, गाड़ी नहीं फंसेगी, अच्छी तरीके से चलेगी, अच्छी तरीके से चलेगी। मैनेज किया गया है, हर एक पार्ट काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, चाहे टायर की भार हो। हाँ, पहले ये बात करते हैं इसका जो आता था सीकर आता था, अब काफी फीचर मोटा दे दिया गया है, कभी इधर उधर नहीं होगा, अब यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए किसान भाई, यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, पहले जो आता था सीकर का उसमें जंग पकड़ लेता था, कीचड़ होकर में लपलप लप करता था, सही तरीके से नहीं चलता था, बढ़िया बना दिया गया, हाँ, उतना कर सकते हैं सेटिंग, ये हिलेगा नहीं। इसको हाइड्रोलिक क्षमता जो है पहले 2000 आता था, अब 2500 हो गया CID इंजन में, हाइड्रोलिक क्षमता बढ़ा दिया गया है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आता है। हाँ, अदर लोग क्या करते हैं वो कम वजन का लगाते हैं, हमारा हैवी ड्यूटी है, हैवी ड्यूटी का है, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया फीचर देता है, और टाली एक नंबर आराम से भी काम करता है, इसमें कोई टाली पे नहीं, माले रिवर्सिबल प्लाउ वगैरह भी जोड़ना हो तो उसमें लगा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसका अलग दिया है सिस्टम, उसको उठाने का गिराने का तरीका अलग दे दिया गया है, बहुत बढ़िया हैवी का ड्यूटी का। टंकी की बात करते हैं तो ये पहले आती थी 60 लीटर का, अब ये दे दिया गया है 71 लीटर का। पहले जो आता था किसान भाइयों ये लॉक नहीं था सिस्टम, अब देखिए यहाँ से हम लॉक भी कर सकते हैं, इसमें लॉक करने से फायदा है कि घर पे गाड़ी खड़ी रहती है, बड़े लोग दुश्मन रहते हैं, कोई धूल मिट्टी वगैरह डाल सकता है, इसे इसमें नहीं डाल पाएगा, कुछ भी नहीं डालेगा, आप लॉक कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, सेफ्टी के लिए, चोरी भी नहीं होगी, पूरे गाड़ी एकदम फीचर के साथ बढ़िया बनाया है, कम बचत कम खर्चे में भी बनाया। इसमें देखिए जो इसका स्टेयरिंग है वो गियर से ही कनेक्ट है, कोई डब्बा नहीं लगा है, अदर कंपनी में आप जाएंगे तो यहाँ पावर स्टेयरिंग में यहाँ डब्बा लगा रहता है, उसमें आप खत्म हो जाता है, डाला जाता है, यहाँ पूरी गाड़ी एकदम उसी से कम्प्लीट है, ऑयल के साथ कनेक्ट है पूरे। हाँ, वो गियर का
इसी से कनेक्ट है, स्टीयरिंग आयल। हाँ, आज जो इसका जो अच्छा फीचर है, हाँ, कि मतलब बाहर से कोई भी गिरा ले वो कुछ नहीं डालना है, जो भी स्टीयरिंग की है सीधा जो है सीधा ऑयल के साथ कनेक्ट है, गिराल से कनेक्ट है, काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है। दूसरी बात हम इंजन की बात करते हैं, तो इसमें जो दे दिया है प्रेशर कूलिंग जंग दे दिया है इसका इंजन में, जो जहाँ मोबिल आता है उसमें पिस्टन पे क्या करता है, अगर जो मान लीजिए गाड़ी उले ले जाने में बांध पर ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर कूलिंग जंग लगा हुआ आता है, मोबिल उसके पिस्टन में बराबर छिड़काव करता रहता है, इसका इंजन का लाइफ बना रहता है, जीवन भर लाइफ बना रहता है, ज्यों आप चाबी मारेंगे त्यों पिस्टन पर मोबिल छिड़क देगा, इससे इस इंजन का लाइफ बना रहता है, अदर ट्रैक्टर में नहीं देखने को मिलेगा, ये सिस्टम नहीं रहेगा। अब इस किसी तरीके से चला सकते हैं, खड़ा चला सकते हैं, नीचे चला सकते हैं, किसी तरह से चला सकते हैं, ये पिस्टन पे बराबर मोबिल इसका देता रहे, और स्टेबल इसका ब्रेक है, ब्रेक हम बताई दिए हैं आपका, स्टीयरिंग का वो जो है बताई दिए हैं, ये बताई दी हैं। और लाइट के वगैरह बात करते हैं तो लाइट देख लीजिए, एलईडी पहले नॉर्मल लाइट देता था तो सभी गाड़ी में आती है, अभी एलईडी लाइट कर दिया है, अब यहाँ से ये कर सकते हैं, देखिए ये भी लाइट कर सकते हैं, अदर ट्रैक्टरों में भी एलईडी आ रहा है, अदर में भी आ रहा है, लेकिन इसके फीचर से उसके फीचर से बहुत अंतर है। हाँ, सीआरडीआई है इसका। हाँ, इसके फीचर बहुत। एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए पूरा, और बाकी ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, अगर लेना चाहते तो यहाँ पे आ सकते हैं महाराजगंज में। हाँ, और हमारे महाराजगंज या इसका पूरा फीचर भी पूरा जगह बढ़िया दे दिया गया है। ऑन रोड प्राइस है 11,50,000, 11,50,000 ऑन रोड प्राइस हम दे सकते हैं, और किसान भाई आते भी हैं तो कुछ हम डिस्काउंट हो जाएगा, हो जाएगा उसमें, और मान लीजिए वीडियो देख के कोई आता है कुछ ऑफर है उसके लिए, डीलर महोदय से बात करके ऑफर ऑफर जो रहेगा धन्यवाद दिया जाएगा। किसान भाई अगर आप वीडियो के माध्यम से आते हैं आप बताते तो आपको इस पे भी कुछ ऑफर मिल सकता है, कुछ जो भी ऑफर रहेगा छोटा जो बड़ा दे दिया जाएगा। किसान भाई महाराजगंज गोरखपुर रोड महाराजगंज, नंबर है 9415594544915 3692490।